नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पांच देशों के विरोध के कारण एनएसजी में भारत की एंट्री को झटका। एनएसजी में भारत की एंट्री को लेकर एक और झटका लगा है। अभी तक चीन एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा था, लेकिन अब ब्राजील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देश भी भारत को इस एलिट ग्रुप में सदस्यता देने के खिलाफ हैं। चीन में बैठक में इसकी सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिशों के विरोध का नेतृत्व किया, जिसके चलते बैठक बेनतीजा खत्म हुई। चीन के साथ ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और ब्राजील समेत अन्य देशों ने सवाल किया कि परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत न करने वाले भारत जैसे देश को समूह में कैसे शामिल किया जा सकता है। ब्राजील के इतराज ने भारतीय राजनयिकों को हैरान कर दिया, जिन्होंने उल्लेख किया कि वह पांच देशों वाले ब्रिक्स समूह का सदस्य है। भारतीय आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले दिन की चर्चा बेनतीजा रही और शुक्रवार को अधिवेशन के समाप्त होने से पहले ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा। अनिल कुंबले होंगे टीम इंडिया के नए कोच। फिरकी के जादूगर और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को एक साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जिसे इस पद को लेकर पिछले लंबे समय से लगाई जा रही अटकलबाजियों पर विराम लग गया। कुंबले अगले महीने भारतीय टीम के वेस्टइंडीज दौरे से ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की। 45 वर्षीय पूर्व लेग स्पिनर कुंबले का चयन बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया है, जिसमें कुंबले के तीन पूर्व साथी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल थे। कुंबले ने कोच पद की होड़ में प्रबल दावेदार माने जा रहे टीम इंडिया के पूर्व निदेशक रवि शास्त्री को भी पीछे छोड़ दिया। कोच पद के लिए बीसीसीआई को कुल 57 आवेदन मिले थे, जिनमें से एडवाइजरी कमेटी ने 21 नामों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। भारत के सबसे कामयाब गेंदबाजों में शुमार रहे अनिल कुंबले ने अपने करियर में 132 टेस्ट, 619 विकेट और 271 वनडे में 337 विकेट लिए हैं। इसके अलावा वे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के मेंटर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। फिलहाल कुंबले आईसीसी के क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन हैं। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख घर छोड़ने को मजबूर। अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण यहां अब केवल गिनती के सिख और हिंदू परिवार बचे हैं। धार्मिक भेदभाव और असहिष्णुता के कारण कई ऐसे परिवारों ने अपने जन्म स्थान को छोड़कर पलायन करने में ही अपनी भलाई समझी। सदियों से हिंदू और सिख समुदाय ने अफगानिस्तान के व्यापार और आर्थिक मामले में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमलों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उन्हें धमकी देकर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदूज एंड सिख के चेयरमैन अवतार सिंह के अनुसार अब 220 से भी कम परिवार बचे हैं, जबकि 1992 में काबुल सरकार के गिरने से पहले तक 2 लाख से अधिक सिख और हिंदू यहाँ रहते थे। एक समय पूरे अफगानिस्तान में फैले यहाँ परिवार अब मुख्य रूप से राजधानी काबुल, नांगरहार और गजनी में रह रहे हैं। हालांकि 2001 में अमेरिका ने फौज द्वारा तालिबान सरकार को बेदखल करने के बाद यहाँ सैद्धांतिक रूप से अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन यह स्थिति सिर्फ कागजों पर है।